गुलाम की शिवानी बेरहमपुर से क्या निकली, उनका तो मेकओवर ही हो गया है। यह है गुलाम की शिवानी यानी कि नीति टेलर। क्या है इनके इस बदले बदले रूप और रंग का राज, चलिए इन्हीं से जानते हैं। मेरा फोटोशूट है तो मेरा ये फर्स्ट लुक है एंड थोड़ा इजिप्शियन टाइप्स है। मेरा मेकअप आज थोड़ा लाउड है, मतलब मैं जनरली ऐसा करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिप्स हमेशा न्यूड रहते हैं और मैं बहुत कम मेकअप लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया। आई होप मैं ठीक लग रही हूँ और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ बिकॉज मैंने कभी इतना डार्क लिपस्टिक लगाया नहीं है, तो मुझे स्माइल करने में बड़ी शर्म आ रही है। नीति कभी इजिप्शियन प्रिंसेस तो कभी रन अवे ब्राइड के गेटअप में नजर आई और हमारे कैमरे ने भी उनके दोनों लुक को आपके लिए कैद किया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये लुक उनके नए शो से तो नहीं, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दरअसल नीति यहाँ करवा रही हैं एक फोटोशूट और उसी फोटोशूट में उनके दो अलग अलग लुक्स नजर आए। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं यहाँ अपना फोटोशूट करने आई हूँ, तो ये है मेरी फोटोग्राफर ऐश्वर्या और ये है निकांशा जिसने मेरा मेकअप और हेयर किया है। तो आप कुछ हमारे ऑडियंस को बोलना चाहोगे मेरे बारे में या फोटोशूट के बारे में? सो शी ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है एंड हमने इस बार इनके लिए कम्प्लीटली मेकओवर प्लान किया था एंड दैट्स वाई वी गॉट दिस ब्यूटिफुल आउटफिट फ्रॉम आई कैंडी एंड द ज्वेलरी इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। अ कम्प्लीट चेंज इज ऑलवेज क्यूट, बहुत क्यूट और चार्मिंग सी रहती है हमेशा, तो इस बार थोड़ी सेक्सी एंड अच्छी अच्छी डिफरेंट इंडियन लुक भी किया है हमने इनके लिए वेस्टर्न। सो वेट फॉर द पिक्चर्स एंड या यू वांट टू से समथिंग? यस एंड निकांशा ओके, सो उसको वो बहुत शाय है, तो यस बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू एंड थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू। इजिप्शियन प्रिंसेस बनी नीति ने अपने लुक और मेकअप के साथ साथ किस तरह उन्होंने अपने मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट किया ये भी हमें बताया। इट्स यू नो बेज एंड ग्रे, आई थिंक इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा है विद द गोल्ड, मुझे एकदम वो अगर आंखें भी इजिप्शियन वाली कर लेती तो वैसे ही हो जाता, बहुत प्यारा है ये हेयर डू। सो वी हैव अ हाई पोनीटेल व्हिच इज मेड एंड अच्छा है, अभी हाई है, अभी मेरा नेक्स्ट चेंज में आप देखना कुछ और ही आएगा, अभी कुछ और होने वाला है। सो नाउ नेक्स्ट इज सरप्राइज, माय फेवरेट कलर जस्ट बाय द वे नेक्स्ट। तो वहीं दूसरा लुक जो था वो था बोल्ड एंड ब्लैक, उसमें भी नीति किसी ब्लैक ब्यूटी से कम नहीं लग रही थी। तो आज हम देखेंगे कैसे देसी गर्ल दिखती है विदेशी, तो हमारे साथ इफेक्ट है नीति टेलर और आज वो दिख रही है विदेशी। यस मैं दिख रही हूँ विदेशी और मैं देसी। क्या कॉम्बिनेशन है, बताओ क्या चल रहा है? यस सो मैं मेरी शादी करवा रहे थे वापस बहरमपुर में जाके, वापस शादी करवा रहे थे तो मैं भाग के आ गई यहाँ। तो अपने इस अवतार के बारे में क्या बताना चाहोगे? कि पहली बात तो ये मेरा आउटफिट आई कैंडी से है और इसकी विंग्स है और एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज है जो बहुत प्यारा है एंड ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर एज एवरीबडी नो, सो आई थिंक मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ। आपको किस टाइप के कपड़े पसंद है? मुझे एक्चुअली बड़े लूज टाइप के कपड़े पसंद है ज़्यादा, लाइक अभी बिकॉज इट्स सो हॉट सो चिपके चिपके आई डोंट लाइक, बट आई लाइक वेयरिंग लूज क्लोथ्स एंड लूज टॉप्स एंड जैसे आपने मेरे को आजकल मेरे को धोती पैंट से बड़ा मज़ा आता है, आई लव इट, इट इज़ सो कम्फर्टेबल एंड देन यू नो वो जो टियाराज है, हेयर बैंड्स है, आई लव इट। ड्रेस में कौन से पोजेस देना पसंद करोगी? mm-hmm.
अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे अगर उनको देसी से विदेशी स्टाइलिंग करना है या समथिंग लाइक दैट? करिए करिए, जो आपका मन कर रहा है करिए वो, एंड खुश रहना जो भी आप करोगे, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर ब्यूटिफुल नो मैटर यू आर इंडियन शॉर्ट स्कर्ट्स और व्हाटएवर, नो वन कैन से एनीथिंग टू यू. आपकी लाइफ आप ही की है, सो जो भी आप कंफर्टेबल हो वही करिए, एंड ऑलवेज ऑलवेज कीप स्माइलिंग, सो स्टे ब्यूटिफुल बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंड मेक श्योर यू मेक एवरीथिंग ब्यूटिफुल. काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, सो स्टे ब्यूटिफुल बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल. वीडियो चैनल सिद्धेश वासगे के साथ पूछा नवाते, न्यूज़ नेशन मुंबई.